तो गाइस अभी बज रहा है 2:01, ठीक है। ऊपर में टाइम देख सकते हो, आज का डेट है और 1:30 हो रहा है 2:00 का। तो बहुत सारे यूट्यूबर ने ऐसा बोला था, टाइम जंप करके देखा था कि 1:30 पे ही वो कोलकाता टर्मिनल का टेबल आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल ओपन कर लेते हैं कैरम पोलर, देखते हैं कि उन लोगों का प्रेडिक्शन सही होता है या नहीं। तो फिलहाल जैसे मैंने इवेंट पे क्लिक करता हूँ, तो इवेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कोलकाता टर्मिनल का 2 न्यू टेबल आ चुका है, ठीक है। और इस यहाँ पर दिख रहा है कि एंड्स इन 24 आवर्स, मतलब एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका ब्रेक पैटर्न जैसे बेंगलुरु स्ट्रीट जैसा है, आप लोगों का याद है बेंगलुरु स्ट्रीट पे हर दिन न्यू टाइप ऑफ ब्रेक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता था, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा, हर दिन न्यू टाइप ऑफ ब्रेक, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एंड्स इन 24 आवर दिखा रहा है, ठीक है। और ये ऑफ़र 14 डेज के लिए रहेगा, 2 वीक्स के लिए ये ऑफ़र रहेगा। तो आप लोगों का कोई जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है कि जो गुलाल स्ट्राइकर है उसको आज ही ओपन करके आज ही मैक्स करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। धीरे धीरे खेलो, इजीली ओपन एंड प्लस मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैच को थोड़ा मैंने स्किप कर दिया हूँ क्योंकि मेरे को ये ब्रेक पता नहीं था, लेकिन गाइज आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अभी इस मैच के बाद ही आप लोगों को 2 न्यू टाइप ब्रेक आप लोगों को दिखाऊंगा, एक है कैरम मोड पे और एक है फ्री स्टाइल मोड पे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैच ख़त्म हो चुका है, तो देखते हैं ऐसे कौन सा बॉक्स पाते हैं। चलो इसको काट कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से लगता है ब्रॉन्ज चेस्ट, हाँ ये ब्रॉन्ज चेस्ट है कोलकाता टर्मिनल प्रो का। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एम्ब्रोसिया पक्का 1 पॉइंट निकल आया है और यहाँ पे सनशाइन, ठीक है, तो कोई बात नहीं। और जो सिल्वर चेस्ट है ना गाइस, उस सिल्वर चेस्ट में 10 पॉइंट मिलेगा और गोल्डन पे 20 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है, जैसे कि फ्रॉस्ट टाइगर पे मिलता था, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हो 24 आवर्स के बाद ये दिखा रहा है कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो और एक मैच अब ये पे देखिए, यहाँ पर जो कैरम मोड का जो ब्रेक है वो आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए स्ट्राइकर को एकदम राइट साइड में लेकर जाना है और देखो देखो मैं किस तरीके से हिट करूँगा, ठीक है। वो पक इस पॉकेट में पकड़ होगा बॉटम लिफ्ट पे, तो देखो ऊपर में मेरा पक पे हिट करूँगा, ठीक है। ऊपर पे स्ट्राइकर लेकर जाने के बाद मेरा पक पे हिट किया, ये था कैरम मोड का। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ फ्री स्टाइल मोड का ब्रेक, ठीक है। तो दोनों ब्रेक सीख लो, आप लोगों को लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस आप लोगों को सिंपली मिडिल में हिट करना है, ठीक है। मिडिल पर जैसे ही हिट करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड में पक पॉकेट हो चुका है और लेफ्ट साइड में भी पॉट होते होते रह गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग, तो आई थिंक कि आप लोग सीख गए हो, अगर सीख नहीं गए हो तो फिर से वीडियो बैक करके देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर 2 बॉक्स मैंने पाया था फिर से, यहाँ पर ये गोल्डन है, तो देखते हैं कि यहाँ से मेरा वो स्ट्राइकर खुलता है या नहीं, ठीक है। 20 पॉइंट्स मिलेगा मेरा पता है। तो यहाँ पर देख सकते हो डब्ल्यू लेजेंडरी का 20 पॉइंट मिल चुका है, ओपन हो चुका है, प्लस 10 पॉइंट अपग्रेड के लिए भी जा चुका है, ठीक है। और जिसके पास अनलिमिटेड जेम्स कल आज ही मैक्स कर सकते हो, जिसके पास जेम्स नहीं है वो गोल्डन शॉट बाय करें और जेम्स बना ले और मैक्स कर ले, ठीक है। और आप लोग कमेंट में ये बताओ कि आप लोग में से किसका किसका ओपन हुआ प्लस कितना अपग्रेड हुआ, वो आप लोग कमेंट्स में बताइए। बाकी वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।